दोस्तों, सतीश कौशिक जी का जन्म 13 अप्रैल 1956 ईस्वी में हरियाणा में हुआ था। दोस्तों, सतीश कौशिक जी एक एक्टर थे, डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर भी थे, साथ ही साथ ये एक लेखक भी थे। दोस्तों, इन्होंने अपनी पत्नी शशि कौशिक के साथ 1985 ईस्वी में शादी किया था। चलिए इनके फिल्मों के बारे में जानते हैं। 1987 में आई मूवी मिस्टर इंडिया। दोस्तों, इस मूवी का बजट 3,80,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 18 करोड़ की हुई। दोस्तों, सतीश कौशिक जी ने इस मूवी में सिलेंडर का किरदार निभाया था और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। 1989 में आई मूवी राम लखन। दोस्तों, इस मूवी का बजट 2,83,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 18 करोड़ की हुई और दोस्तों इस मूवी में सतीश कौशिक जी ने काशी का किरदार निभाया था और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1990 में आई मूवी स्वर्ग। दोस्तों, इस मूवी का बजट 2 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 14 करोड़ की हुई। दोस्तों, सतीश कौशिक जी ने इस मूवी में भी किरदार निभाया था और दोस्तों स्वर्ग मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1996 में आई मूवी साजन चले ससुराल। दोस्तों, इस मूवी का बजट 4,50,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 24 करोड़ की हुई। दोस्तों, सतीश कौशिक जी ने इस मूवी में मुत्तु स्वामी का किरदार निभाया था और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। दोस्तों, सतीश कौशिक जी की ये मूवी काफी अच्छी मूवी थी। दोस्तों, सतीश कौशिक जी की ये मूवी मुझे काफी बढ़िया लगी थी। आपको ये मूवी कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद 1997 में आई सतीश कौशिक जी की मूवी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। दोस्तों, इस मूवी का बजट 5 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 12,48,00,000 की हुई। दोस्तों, इस मूवी में सतीश कौशिक जी ने चंदा मामा का किरदार निभाया था और दोस्तों ये मूवी हिट रही थी। इसके बाद सतीश कौशिक जी की मूवी आई दीवाना मस्ताना। दोस्तों, इस मूवी का बजट 7 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 24,33,00,000 की हुई और दोस्तों इस मूवी में सतीश कौशिक जी ने पप्पू बेकार का किरदार निभाया था और भाई साहब ये मूवी सुपर हिट रही। 1998 में आई सतीश कौशिक जी की मूवी परदेसी बाबू। दोस्तों, इस मूवी का बजट 5,50,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 9,44,00,000 की हुई। दोस्तों, इस मूवी में सतीश कौशिक जी ने हरपाल हैप्पी का किरदार निभाया था और दोस्तों सतीश कौशिक जी की ये मूवी हिट रही। इसी साल सतीश कौशिक जी की मूवी आई बड़े मियां छोटे मियां। दोस्तों, इस मूवी का बजट 8,90,00,000 रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 30,20,00,000 की हुई और दोस्तों इस मूवी में सतीश कौशिक जी ने सराफत अली का किरदार निभाया था। 1999 में आई सतीश कौशिक जी की मूवी हसीना मान जाएगी। दोस्तों, इस मूवी का बजट था 9 करोड़ रुपए। इंडिया में इसकी कमाई 27,16,00,000 की हुई और दोस्तों सतीश कौशिक जी ने इस मूवी में कुंज बिहारी का किरदार निभाया था और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट रही थी। साल 2001 में सतीश कौशिक जी की मूवी आई क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। दोस्तों, इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 19,60,00,000 की हुई थी। दोस्तों, इस मूवी में सतीश कौशिक जी ने मोहन का किरदार निभाया था और दोस्तों सतीश कौशिक जी की ये मूवी हिट रही। दोस्तों, सतीश कौशिक जी की ये मूवी आखिरी मूवी थी। वैसे दोस्तों, सतीश कौशिक जी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो दोस्तों, यह था सतीश कौशिक जी का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप भी सतीश कौशिक जी के एक फैन है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो इस चैनल पर आती रहती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।